उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं व बच्चियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने आज ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 6,000 रुपये की पेंशन राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं आज बागपत पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को सम्मान देने की घोषणा पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर संभव कोशिश कर रहे कि महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं पिछड़ा महसूस हो रहा था और विधवा पेंशन आदि के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया है, जिसके चलते अब विरोधियों के मुंह पे ताला लग जाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है महिला सुरक्षा के लिए, और मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा भी कर दी है, जिससे रात में महिलाओं को चलने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेष गाड़ी रात के लिए चलाई जा रही है। माननीय मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री जी खुद उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए तमाम काम किए हैं, जिसकी मिसाल ये योजनाएं हैं। सुषमा सिंह ने आगे भी बोलते हुए कहा कि ये योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर प्रदेश में बहुत ही खुशहाली का माहौल है। आप बागपत से देख रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सिंह के साथ दौलत शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सरकार योगी आदित्यनाथ ने एक आज आदेश दिए हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर के जो महिलाएं हैं उनको सालाना 6,000 रुपये वो पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो क्या अगर इस तरीके का फैसला आया तो क्या इससे काफ़ी इस मामले जिस तरह के हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और सुधार आएगा क्या ट्रिपल तलाक को लेकर? माने योगी आदित्यनाथ जी हर कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते कि महिलाओं और बालिकाओं को पूर्ण रूप से सम्मान, सुरक्षा और उन लोगों को हर प्रकार से सुविधाएं देने का कार्य उनके द्वारा हो रहा है। उसमें मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं पिछड़ा एक महसूस हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं जैसे कि विधवा पेंशन है, इस प्रकार की पेंशन है, तो उनके लिए कोई इस प्रकार का ट्रिपल तलाक को लेकर कोई सेफ्टी इशू नहीं था। ये अपने आप में समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज तक किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी कार्य सिर्फ मात्र बोला गया है, किया नहीं गया है। अपने आप में आपके सवाल का यह जवाब है कि हम बोल नहीं रहे हैं कि हम कर भी रहे हैं और हम देने के लिए भी तैयार हैं और हम सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, वचनबद्ध भी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट हैं उनकी घोषणा कर दी है, वो चालू कर दी है तुरंत प्रभाव पे। रात को कोई भी बच्ची, कोई भी महिला अपने घर वापस जा रही, उनको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए उसके लिए गाड़ियां निकाल दी हैं सड़कों पे। और कहीं मुस्लिम महिलाओं को ये लगता था कि हमारे लिए और क्या बेहतर हो सकता है, तो माननीय मोदी जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप में पहल करके सभी के मुँह पर एक ताला लगा दिया है कि हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं।